जब बात हुई अनुपमा के खिलाफ तो किस किसने दिया अनुपमा का साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा की, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अनुपमा पूरे शाह परिवार के लिए मुसीबत बनकर खड़ी हो गई है, क्योंकि बा को ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अनुपमा डिंपल का जहां साथ देना चाहती है, अब इसी के चलते अनुपमा के सब दुश्मन बन बैठे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बा की, क्योंकि आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह बा जो है वो अनुपमा पर भड़कने वाली है। अब वो अनुपमा पर क्यों भड़केगी ये तो आप सबको पता ही है, लेकिन भड़कते हुए वो क्या क्या अनुपमा से कहेंगी तो चलिए बताते हैं। दोस्तों आने वाले एपिसोड में आप जहां देखेंगे कि किस तरह अनुपमा शाह परिवार के पास पहुंच चुकी है, अब आप देखेंगे कि किस तरह बा जो है अनुपमा के आगे हाथ जोड़ने लगती है कि तू ये केस वापस ले ले, तुझे पता नहीं महान बनने का क्या शौक चढ़ा हुआ है, तुझे पता नहीं क्या लगता है कि तू देवी बनकर सबको बचा लेगी, लेकिन तेरी ये गलत सोच है, देखना तुम सब पर ये एक दिन बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे किस तरह काव्या केंजल जो है दोनों के दोनों अनुपमा का साथ देते हैं, इस बात से बा और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। आप देखेंगे किस तरह बा जहां अनुपमा के अगेंस्ट खड़ी होती है तो वहीं पूरा शाह परिवार जो है वो अनुपमा के सपोर्ट में खड़ा होता है। आप देखेंगे किस तरह जहां केंजल बोलती है कि जब मेरे साथ बहुत गलत चीजें हो रही थी, जब तोशु ने इतना सब कुछ मेरे साथ किया था, तब अनुपमा ने मेरा साथ दिया था और मैं मम्मी के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकती। वहीं आप देखेंगे दूसरी तरफ काव्या है जो अनुपमा का सपोर्ट कर रही है। काव्या भी अनुपमा के सपोर्ट में कहती है कि हाँ मैं तो उसकी सौतन थी और वनराज ने मेरे साथ जब बदतमीजी करने की कोशिश की थी तब अनुपमा ही एक ऐसी लेडी थी जिसने मेरा बहुत सपोर्ट किया था और मुझे उस कंडीशन से बाहर निकाला था और वनराज और मेरा रिश्ता भी उसी ने ठीक करवाया है, तो आज हम सब इसका साथ देने से कैसे पीछे हट सकते हैं। वहीं आप देखेंगे अनुपमा के दोनों बेटे यानी समर और तोशु भी पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। समर डिंपल के सपोर्ट में कहेगा कि उस बेचारी का तो पति भी उसे छोड़कर चला गया है, पता नहीं बाप कैसे कह रही हैं कि हम उस लड़की का सपोर्ट ना करें, लेकिन आप भूल गई हैं कि मम्मी यानी अनुपमा ने हमेशा सबका सपोर्ट किया है और वो आज भी करेंगी और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस बात से बा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बा सबको कहती है कि तुम सब देख लेना, मेरी वार्निंग एक दिन तुम लोगों को जरूर याद आएगी। लेकिन आप देखेंगे अनुपमा बा को बहुत समझाने की कोशिश करती है। अनुपमा बा से कहती है कि मैं एक औरत हूँ और एक औरत होने के नाते अगर मैंने आज उसका साथ नहीं दिया तो वो बेचारी तो अकेले ही मर जाएगी। और तुरंत अनुपमा को डिंपल की वही वाली बातें याद आती है जब डिंपल ने हॉस्पिटल में लेटे हुए अनुपमा से कहा था कि मैं अपना केस कभी वापस नहीं लूंगी और मैं अपनी लड़ाई पूरी तरह से लड़ूंगी। वहीं पे अनुपमा कहती है एक औरत होने के नाते बाप ऐसा कैसे कह सकती हैं। अब बा की बोलती तो बंद हो चुकी है, लेकिन अनुपमा गुंडों से कैसे बचेगी ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से लाइक कर दें।